हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आज एडवांस इंग्लिश लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों देखो, एक बात को अच्छे से ध्यान रखो और पॉइंट को गेट करने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एडवांस इंग्लिश, ये कोई नॉर्मल स्पोकन या आपका कोई ग्रामर नहीं है जिसमें आपको सारे टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, या आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, सारे टेंस नहीं बताया जाएगा। एग्जैक्टली ध्यान रखो, मैं सारे टेंस अभी भी कह रहा हूँ, मैं नहीं बताऊँगा, क्लियर कर रहा हूँ। नहीं, जो मेन है वो पढ़ो ना। जब हम ही कह रहे हैं नहीं पढ़ना तो तुम क्यों फालतू पढ़ रहे हो? देखो, आओ सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अबाउट वी नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? हाउ डू वी आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? हम कैसे पहचाने कि वो एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? तो रहा है, रही है, रहे हैं। जिन शब्दों के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो दैट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या ये बात सच है? जी हाँ, 100% सच है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर वर्किंग सेंटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अरे वह काम कर रहा है, राम सो रहा है, शाम पढ़ रहा है, वो नाच रहा है, वो गा रहा है, वो पाल रहा है, दिन का फलन है। पूरी बात तो बनी छोड़ दी, ठीक है बेटा। हर टेंस के कुछ काइंड्स होते हैं। अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव का दूसरा नाम आपका इंपेरेटिव हो गया, इसी का तीसरा नाम सिंपल हो गया, इसी के बाद दूसरा काइंड आता है आपका नेगेटिव, इसी को ही नेग्लेक्ट सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तीसरा काइंड आपका होता है बेटा इंटरोगेटिव। इसी को बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो बच्चे मैं उन बच्चों को कहता हूँ अब डरने की कोई बात नहीं है, उसी का दूसरा नाम है क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज द क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस। कहाँ पे आता है पढ़ने को बता दूँ, BBA सेकेंड ईयर के अंदर आ जाओ आप इंग्लिश ऑनर्स में तो पता चल जाएगा आपको कि आता भी है नहीं आता। या BA कर लो प्रोग्राम के अंदर, BA प्रोग्राम कर लो तो उसमें भी आ जाएगा आपका, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट आ जाएगा। जब कॉमा के बारे में आप लोग पढ़ोगे ना पहले लेक्चर में, कॉमा हो गया, एपोस्ट्रोफी हो गया, इन सब के चैप्टर्स जो है हमारे, उसी में आ जाएगा आपका कंटिन्यूस लेक्चर। वहाँ पे नहीं लिखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यू, वहाँ पे कंटिन्यूस लेक्चर होगा कंटिन्यूस नाम से, ठीक है ना। BSc वालों, तुम्हारा सेकंड ईयर में आता है, वो भी बेसिकल में आता है, हाँ BScOA में आता है, BScOA 1 में आता है आपका, तो उसमें आपको ये चीज पढ़ने को जरूर मिलेगा। रोल देख लो, कल 10th का पेपर भी है तो उसमें स्टोरी बनाने में आपका काफी ज्यादा हाथ रहेगा, डिस्टेंस का हमारे को काफी ज्यादा मिलने वाला है। सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अरे वाह, कतई जिंदगी झंड है फिर भी कमेंट। देखो कैसे, सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है? इज एम आर। अब जरा तो ये तो बताओ, आई किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है? तो ध्यान रखो, आई के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चे? एम, ही, शी, इट। जब भी एक पर्टिकुलर का नाम दे दे या बोल दे, राम के साथ क्या लगेगा, सीता के साथ क्या लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, तो बेटे ही बताया ना आपको, इससे पहले वाले लेक्चर को देख लो दोबारा। ही किसी लड़के के लिए लगता है, शी किसी लड़की के लिए लग रहा है, और इट नॉन आइडेंटिकल, नॉन लिविंग, लिविंग या वो के लिए लगता है। तो बच्चे ध्यान रखो इस बातों को, तो ही शी इट आपको इस के लिए लग रहा है, और वी यू दे जिसमें दो बंदों से ज्यादा की बात हो तो उसके साथ आर लगता है। अरे वाह बेटा, अब तो गए, तो बच गया, देखो आर, ठीक है। आई यू वी दे के साथ, मतलब आई के साथ तो एम लगता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, माय नेम इज ये, माय नेम इज वो, माय नेम इज ये, माय नेम इज वो। बच्चे यू वी हमारे हम के लिए, तीन बंदे यू, दो के लिए, दे चार से सात। तो इसी का नेगेटिव सेंटेंस क्या है? आई एम प्लेइंग, तो आई एम नॉट प्लेइंग। तो मतलब इज एम आर के बाद क्या लग जाएगा बच्चे? सिर्फ एक छोटा सा नोट लग जाएगा, वो इसे नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव रूल के अकॉर्डिंग फोर्स कर देगा। आ जाओ जरा इंटरोगेटिव को देखो, कुछ नहीं करेगा, ध्यान रखना कुछ नहीं करना। पहले वाले रूल को तीसरे वाले से कंपेयर कर लो, दूसरे वाले को चौथे वाले से, हैं क्या बात कर रहे हो,
अरे हाँ सही बात कर रहा हूँ, इसे मार्क को पहले लिख दो, सब्जेक्ट को बाद में लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया इंटरोगेटिव। देखो इसे मार्क सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, रूल एग्जैक्टली सेम, इंटरोगेटिव नेगेटिव। आपको क्या करना है, मैंने बोला दूसरे वाले से कौन सा बनेगा बच्चा आपका फोर्थ, दोबारा देख लो कैसे बना, सब्जेक्ट प्लस इसे मार्क वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएंगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव रूल क्या कहता है आपका, क्या कहता है, अरे बोलना देख ले, इसे मार की जगह क्या हो कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा इसे मार, ये इसको कन्वर्ट करेगा और ये इसको कन्वर्ट करेगा, बस एडिशनल ही ऐड ही एक चीज होनी है, वो है आपका क्वेश्चन मार्क। एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, इन दिस काइंड ऑफ टेंस वी आस्क्ड अ क्वेश्चन, या वी आस्क्ड अ क्वेश्चन विद अ डेफिनेटली प्रपोजिशन। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल क्यों होता है बच्चा आपका, अब इंटरोगेटिव तो आपका क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होगा, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो इट मींस इसका ही दूसरा नाम डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं कुछ मास्टर, तो कुछ ये भी कहते हैं कि भैया इसका ये भी है तेरी ऐसी तैसी तू आड़ में जा, डबल क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हो, बट ये आपकी समझ के लिए बेटा, क्वेश्चन मार्क वगैरह सब आपकी पहचान के लिए, लिख मत क्या लिख के बता देना, लिख के तो इंटरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव लिख सकते हो, पहले क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स भी हमने आपको दिए हैं, राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, राम इज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, पहले से कौन सा बनेगा बेटा, तीसरा बनेगा इज राम प्लेइंग इन द गार्डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दूसरे से कौन सा बनेगा, अरे चौथा बनेगा, पता तो दिया राम इज राम नॉट, देखो ना राम को जरा उधर कन्वर्ट कर दिया और इसको इधर कन्वर्ट कर दिया, बात कुछ नहीं है, बात वही है, बस बताने का तरीका वही है, पर समझ नहीं आता यार, क्योंकि हम मेंटल है, हम तो मेंटल है कति, हमें ना सुधार सके भाई, तुझे ही कह रहा हूं। श्याम इज डूइंग हिज होमवर्क, श्याम इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, इज श्याम इज डूइंग होमवर्क, इज श्याम नॉट डूइंग हिज होमवर्क, रिद्धि इज कुकिंग फूड इन द किचन, रिद्धि इज नॉट कुकिंग योर कुकिंग फूड इन द किचन, इज रिद्धि कुकिंग द फूड इन द किचन, इज रिद्धि नॉट कुकिंग फूड इन द किचन, इज रिद्धि कुकिंग फूड इन द किचन, क्वेश्चन मार्क, क्या वो खाना बना रही है रिद्धि, क्या रिद्धि खाना बना रही है, क्यों नहीं खाना बना रही है बच्चे, क्यों नहीं, डबल इंटरोगेटिव। तो आज का लेक्चर नंबर 2 हमारा यहीं तक था, आपको कैसा लगा, सिर्फ वही बच्चा देख पाएगा जिसके पास लिंक होगा, तो एडवांस इंग्लिश के अंदर जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट दो और अपने आपका एडमिशन लेके अपने बैच के अंदर आओ, 3 to 5 आपका बैच चलता है, सभी बच्चे कोशिश करो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी करो कि आना है, जितनी जल्दी आओगे जितना करोगे आपके लिए बेहतर होगा, तो बाय बाय, टेक केयर।